अस्सलाम वालेकुम भाई, आप देख रहे हैं यूसुफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक। भाई ये ओरिएंट कंपनी का फ्रिज है, इसमें एक अचानक फॉल्ट आ गया है कि चलते चलते ये बंद हो जाता है। कभी ये 30 सेकंड भी बंद होता है, कभी 40 सेकंड चल के बंद होता है। तो अभी इसको चेक करना है कि इसमें कोई शॉर्टेज है, थर्मोस्टेट ख़राब है या लैन चौक है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करूँ, ये 10-15 सेकंड चल के फिर फ्रिज बंद हो जाता है। मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जब भी अगर कंप्रेसर शॉर्ट होता है तो इसमें यह होता है कि कंप्रेसर 3 सेकंड से ऊपर चलते नहीं है, 3 सेकंड के बाद कंप्रेसर बंद हो जाती है। तो थर्मोस्टेट की ख़राबी या वायरिंग की ख़राबी को क्लियर करने के लिए मैं इसके रिले को उतार रहा हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट ही चलाऊँगा। तो इसको डायरेक्ट सप्लाई दे के मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या करता है, चले गए या 10-15 सेकंड बाद फिर ये बंद हो जाता है। तो ये इसको मैंने डायरेक्ट सप्लाई देके स्टार्ट किया है। तो भाई इसमें ये लैन चौकिंग का मुझे मसला लगता है, फिर भी कंफर्म करने के लिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ कंप्रेसर को। तो मैं ये स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल में कोई भी शॉर्टेज नहीं है। तो ये बॉडी के साथ में टच करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई भी शॉर्टेज वगैरह नहीं है। तो इसमें ये लैन चौकिंग का ही मसला है। तो इसके लैन काट के आपने इसकी फ्लशिंग करनी होती है। तो इसके मैंने लैन काटे हैं। तो दोबारा मैंने इसको स्टार्ट किया है, अब कंप्रेसर बिल्कुल सही चल रहा है। तो मैं लास्ट में आपसे यही एक गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।